बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विटामिन सी सीरम के बारे में, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कमाल किस्म के हैं। विटामिन सी, हेलुरोनिक एसिड, फैलोरिक एसिड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विटामिन सी, हेलुरोनिक एसिड, फैलोरिक एसिड क्या काम करते हैं हमारी स्किन के लिए, और ये सीरम कैसा है, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इस सीरम के एड्स आजकल काफी ज्यादा प्रमोशन की जा रही है इनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी जाओगे आपको कोको फार्मुलेशन का एक दफा स्पॉन्सर जो पेज होता है वो लाजमी नजर आएगा। तो इंसान का कहीं ना कहीं ऐसे इंग्रेडिएंट्स देख के माइंड बन जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूंगा। तो इंसान को पता हो तो फिर माइंड बन जाता है कि हमें ये चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इसका आज रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। तो कोको फार्मुलेशन वालों का है, तो इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका यूज, फायदे, नुकसान, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सबसे बड़ी बात, वहां पे ह्यूज गिव अवे चल रहा है, सेकंड में हर एक डीएम का जवाब देता हूं। उसके बाद मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं। मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस कंपनी का है। ये है कोको फार्मुलेशन की तरफ से। कोको फार्मुलेशन एक पाकिस्तानी ब्रांड है और ये मुझे पीआर में आया था। अगर पीआर में आया, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्पॉन्सर और पेड वीडियो है। मैं डेफिनेटली इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ही इसके फायदे और जो नुकसान आते वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। कोको फार्मुलेशन एक पाकिस्तानी नया ब्रांड है। इन्होंने मार्केट में नए ही अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और इनमें से है एक इनका विटामिन सी सीरम और एक है एवरियन यंग B3 सीरम। वो मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया, इवन टच भी नहीं किया, क्योंकि मैं पहले एक सीरम को यूज कर रहा था। 15 का दिन मैंने इसको यूज किया है। इसके फायदे मैंने अपने जो स्किन पे देखे हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके सारा कुछ है, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स ने सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया इसको यूज करने के लिए। तो एक सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की और इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे चलता नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल किस्म की इनकी पैकेजिंग है, बहुत ही सिंपल, किसी ना मतलब ज्यादा कलरफुल ना रखते हुए सिंपल डिसेंट की तरफ, पैकेजिंग की तरफ गए हैं वो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोको फार्मुलेशन विटामिन सी ग्लो सीरम, ठीक है। इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो विटामिन सी 15%, हेलुरोनिक एसिड, फैलोरिक एसिड और इसमें है 30 ml प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी साइड में भी कुछ यूं है, यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके बताए हुए हैं विजिबिलिटी टारगेट्स है जो ये प्रोडक्ट हमारी स्किन पे काम करता है। उन्होंने कुछ क्लेम किया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। विजिबिलिटी टारगेट्स है जो लाइटन हाइपरपिगमेंटेशन, मिनिमाइज लाइंस एंड रिंकल्स, डिजाइन स्पेशली फॉर टारगेट डार्क स्पॉट्स, मॉइस्चराइजेस ब्राइटनेस, स्किन टोन, प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रेकआउट एंड सन एक्सपोजर, प्रमोट्स कोलेजन प्रोडक्शन, रिड्यूस रेडनेस, सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप, क्रुएल्टी फ्री, फ्रेगनेंस फ्री। डेफिनेटली इसमें किसी ना किस्म की आपको फ्रेगनेंस नहीं मिलती। इसकी एक्सपायरी भी यहाँ पे मेंशन है, ये 2022 में जाके मार्च में एक्सपायर होगा, जो कि इसकी एक्सपायरी काफी लॉन्ग है। अच्छा, इसके जो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या करते हैं? विटामिन सी हमारी ड्यूल टोन जो फेस पे डिसकलरेशन होती है उसको खत्म करते हैं। हमारे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, जितनी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको लाइट करके हमारी कलर को ब्राइटन अप करता है। कलर को ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फेस पे। डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर प्ले करता है, यानी कि एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। दूसरी बात ये कि अगर आप विटामिन सी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं या किसी डाइट के जरिए ले रहे होते हैं तो फिर हमारा कलर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और ये साथ में अगर आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक बैलेंस मिलता है, जिसकी वजह से आपके कलर में, और आपको अगर कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो उसको वो लाइट करते हैं। अब बात करते हैं हम हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लाइक जिस तरह से डायरेक्ट स्किन से अप्लाई किया जाए तो वो नहीं अच्छा होता। हेलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के अंदर ही मौजूद होता है, ये कोलेजन की वजह से ये मूव कर सकते हैं हमारा, ठीक है। तो हेलुरोनिक एसिड क्या करता है? ये पानी हमारे फेस पे मॉइस्चर रखता है, हमारी स्किन पे, आंखों के नीचे, ये हर हाल में होता ही होता है। जब ये हमारी स्किन में खत्म होना शुरू हो जाता है तो हमारी स्किन पे फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह को रोकने के लिए हम हेलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये एसिड नाम के साथ एसिड है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी स्किन पे बहुत जबरदस्त काम करता है।
स्किन को मॉइस्चराइज करता है। स्किन मॉइस्चराइज होगी तो यानी कि उसमें फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह नहीं होंगे और हमारी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं फेलोरिक एसिड की। फेलोरिक एसिड भी क्या करता है, ये हमारी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी स्किन जो जल चुकी होती है सूरज की वजह से, या हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है, या हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है, तो उसके साथ ही काफी अच्छे से फाइट करते हैं। हमारी स्किन को सूरज की शुआओं से बचाता है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई और हेल्थी बनाने में हेल्प करता है। तो ये इसके तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत जबरदस्त है। अब इसकी बात कर लेते हैं अंदर से। अंदर पैकेजिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ इस तरह से आता है पैकेजिंग में, और ये एक ब्राउन किस्म की बोतल है कोको फार्मुलेशन वालों की, और इसका जो टेक्सचर है सिंपली अमेजिंग है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये इस कलर में है, और ये आप अंदर से भी यूं देख सकते हो कि ये बिल्कुल जबरदस्त सा लग रहा है। और जब इसको हम करते हैं, इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा, मतलब स्टिकी नहीं है, ये हमारे फेस पे लगते साथ स्टिकी फील नहीं होता, लेकिन जब आप इसको फेस पे लगाते हो तो आपको टाइटनेस फील होती है। हमारी फेस पे बहुत ही जबरदस्त एक टाइटनेस फील होती है। तो ये हर स्किन वाला इसको यूज कर सकते हैं, बट वो लोग नहीं जिनकी स्किन पे पिंपल हो, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन हो, उनको विटामिन सी यूज नहीं करना चाहिए डायरेक्टली स्किन पे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन सी का ये जो सीरम है हमारे फेस पे, मेरे फेस पे इन्होंने किस तरह से काम किया मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स थे, साथ में मैंने स्टारडर्म की क्रीम और साथ में ये कोको फार्मुलेशन वालों का विटामिन सी सीरम यूज कर रहा था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मेरी स्किन के लिए काफी अच्छा रहा। मेरी स्किन से इसने डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प की है। मेरे नोज के इस एरिया पे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन थी, तो इसको भी इसने काफी ज्यादा लाइट किया, और बाकी ओवरऑल मेरा कलर भी काफी ज्यादा ब्राइटन अप हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी सीरम की वजह से, लेकिन बट दिस सीरम वर्क्स वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन के लिए। सबसे बड़ी बात, इसकी कोई स्मेल नहीं है, टेक्सचर इसका बहुत जबरदस्त है, हल्का सा फेस स्टिकीनेस फील होती है, लेकिन वो जो इसमें हेलोरोनिक एसिड और वो जो फेलोरिक एसिड है वो फाइन लाइन रिंकल्स के लिए होते हैं, तो रिंकल्स को टाइट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने डे टाइम भी यूज कर सकते हो, नाइट टाइम भी यूज कर सकते हो, जब आप चाहो आप इसको लगा के, अगर बाहर जा रहे हो तो इसके ऊपर आप सनब्लॉक भी लगा सकते हो, और अगर रात को सो रहे हो तो ये लगा के आप इसके ऊपर अपनी नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नाइट क्रीम ये नहीं फाइजा और गोल्डन पर्ल जैसी, और सुबह उठ कुछ और हुआ हो तो फिर आप मुझे ब्लेम करते फिर हो कि वसीम ने कहा था। आप इसके साथ ही कोई ऐसी क्रीम ले सकते हो जिसमें विटामिन सी की मिकदार मौजूद हो, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1500 से लेके 1800 रुपए तक उनके पे से इजिली मिल जाएगा, और इसके साथ आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ये प्राइसी है, इसकी प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी। प्राइस की बात करें तो रिवाज के 450 रुपए में विटामिन सी सीरम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस सीरम की निस्बत ये सीरम फार बेटर है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, फेलोरिक एसिड, हेलोरोनिक एसिड, विटामिन सी, कमाल किस्म के तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। और जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम पढ़ा मैं फौरन रेडी हो गया मेंटली तौर पर कि ये मुझे ट्राई करना ही करना है। स्मेल फ्री है और साथ में ये काफी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है। ड्राई स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑयली स्किन, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर इसके काम की बात करें तो यस इट वर्क्स, 10 में से 8 नंबर मैं इसको डेफिनेटली दूंगा, ये काम करता है हमारी स्किन के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको एक्सपेक्टेशन होती है ये देखने के बाद तो मैं नहीं बोलूंगा। आपकी अगर फेस पे हल्की सी ड्यूल टोन है या माइनर से आपके फेस पे या थोड़े से डार्क किस्म के डार्क स्पॉट्स है तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। ये आपकी स्किन को ड्यूल टोन को खत्म करने के लिए मदद करेगा, आपके फेस से रिंकल्स को खत्म करने के लिए मदद करेगा, अगर फर्स्ट स्टेजेस है ये सारी, ठीक है, तो फिर आप ये इजीली यूज कर सकते हो मेरे कहने पे, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और इसका अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनके पेज से जाके मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, तो डिलीवरी आपको फ्री मिल जाएगी। तो आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो सिंपली आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करना है लाइक और शेयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।